हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज हम करेंगे गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर अ डिफरेंट अकाउंट, क्लियर है। सबसे पहले आपको नॉर्मली पता ही रहेगा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पर ये मेरा गोल्डन रूल है, इसमें काफ़ी कुछ आपको न्यू भी सीखने मिलेगा। तो आप इसके वीडियो को एंड तक देखिए और आई होप आपको मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर अ डिफरेंट अकाउंट, बराबर। उसमें पहले बढ़ते हैं डेबिट और क्रेडिट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट? डेबिट क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज अ डेबिट साइड और राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट साइड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है DR, क्रेडिट को लिखा जाता है CR, बराबर। जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलेंगे हम डेबिट और राइट हैंड साइड है उसको क्या बोलेंगे हम क्रेडिट बोलेंगे। टोटल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, बराबर। किसी भी इंसान से रिलेटेड रहेगा वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट मीन्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन, जो भी खर्चा रहेगा या तो इनकम रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, आपको नॉर्मली सारे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता ही है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। पर्सनल अकाउंट पे आते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जांपल लेते हैं और भी इसमें मेरे काफ़ी रूल है जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹4,000 ऑन क्रेडिट। मतलब ए ने क्या किया है? बी को गुड्स बेचा, तो यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ और गीवर कौन हुआ वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹4,000 ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर फाइंड करना है रिसीवर कौन है और गीवर कौन है। देखो मिस्टर ए क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, सेल कर रहे हैं तो हम रिसीवर हुए कि गीवर? ऑफकोर्स हम क्या हुए? गीवर हुए। हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो हम क्या हुए? गीवर हुए। और रिसीवर कौन हुआ? मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है, तो मिस्टर बी क्या हुआ? रिसीवर हुआ। अभी देखेंगे तो मिस्टर बी क्या कर रहा था? रिसीवर है और मिस्टर ए क्या है? गीवर। तो देखो यहाँ पर मिस्टर बी क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है और मिस्टर ए क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। क्लियर? मिस्टर ए सेल कर रहा है, बी क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है। और देखो पैसा कौन पे करेगा? ऑफकोर्स जो बी ने क्या किया है? परचेस किया, तो वही इंसान क्या करेगा? पैसा पे करेगा, बराबर। तो मिस्टर बी क्या करेगा? पे करेगा। और ए ने क्या किया है? सेल किया, तो ए क्या करेगा? पैसा रिसीव करेगा। तो हमने एक डेफिनेशन देखा था डेटर और क्रेडिटर। तो डेटर इज अ पर्सन हु हैज़ टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर गेटिंग, का मतलब क्या रहेगा? परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। और एक और देखा था, क्रेडिटर इज अ पर्सन हु हैज़ टू रिसीव मनी टू द बिजनेस फॉर गिविंग या तो सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। तो देखो जो इंसान डेटर क्या होता है? डेटर इज अ पर्सन हु हैज़ टू पे करेगा और परचेस कर रहा है। तो मिस्टर बी क्या कर रहा है? यहाँ पर परचेस कर रहा है और वही क्या करेगा? पैसा पे करेगा। तो बी क्या हुआ? डेटर हुआ। और मिस्टर ए क्या कर रहा है? सेल कर रहा है और वो पैसा क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो मिस्टर बी ए क्या हुआ अपने लिए? क्रेडिटर हुआ। तो हमें एक और यहाँ पर गोल्डन रूल मिल गया। देखो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड और सेल्स ऑलवेज क्या हुआ? क्रेडिट साइड। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्या हुआ? क्रेडिट साइड। और डेटर ऑलवेज डेबिट साइड और क्रेडिटर ऑलवेज क्या रहेगा? क्रेडिट साइड मिलेगा। देखो डेटर कहाँ पर मिला आपको? डेबिट साइड में मिला, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिटर कहाँ मिला? क्रेडिट साइड में मिला। क्लियर है? तो मिस्टर ए, तो यहाँ पर देखा जाए तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, बराबर। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। एक और याद रखो, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न कहाँ रहेगा? क्रेडिट रहेगा। अगर सेल्स अगर कहाँ पर है? सेल्स अगर क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न कहाँ रहेगा? डेबिट में रहेगा। तो एक और सिंपल सा ही है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न, ये गुड्स है मैंने बेचा और रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न मतलब मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? बेचा हुआ माल आता है तो क्या होता है? इनवर्ड और आउटवर्ड। मतलब एग्जांपल देखो, कोई भी चीज़ आपने पेंसिल परचेस किया, अच्छा नहीं लगा तो आप उसको रिटर्न करोगे, रिटर्न करोगे तो इन होगा कि आउट होगा? आउट होगा। क्लियर है? तो परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउट। और सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। तो पहला क्या था? डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर मैंने बताया था सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज,
डेबिट साइड परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड, और डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट की तरफ पढ़ते हैं बराबर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 ऑन कैश, बराबर। परचेज फर्नीचर ₹10,000 फॉर कैश, तो फर्नीचर मैंने परचेस किया है ₹10,000 में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास क्या आएगा। अगर आपने फर्नीचर परचेस किया तो आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, बदले में क्या जाएगा, आपके पास से पैसा जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या जाएगा, आपके पास से कैश जाएगा। और एक और इसमें एग्जांपल लेते, रिसीव ₹10,000 लोन फ्रॉम बैंक, रिसीव लोन ₹10,000 फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक के पास से मैं क्या कर रहा हूँ, ₹10,000 का लोन ले रहा हूँ। रिसीव लोन ₹10,000 फ्रॉम बैंक, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर लोन लिया, आप किसी के भी पास से लोन ले रहे हो तो आपके पास से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसके पास से जाएगा, लोन जाएगा, तो किसके पास से जाएगा, बैंक के पास से जाएगा, तो बैंक लोन कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पर पहले वाले में क्या था, फर्नीचर परचेस किया था तो अपने पास क्या था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अभी क्या हम लोन रिसीव कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और लोन क्या हो रहा है, बैंक लोन जा रहा है। तो कैश कैश क्या हो गया, कैंसिल। डेबिट और क्रेडिट का कैश कैश क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डेबिट में क्या है, फर्नीचर, और क्रेडिट में क्या बचा अपने पास से, बैंक लोन। और फर्नीचर अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है, बराबर। फर्नीचर अपने लिए क्या होता है, असेट, ये मैंने ऑलरेडी कराया था मीनिंग एंड डेफिनेशन में, आप चाहो तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्नीचर अपने लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ, और बैंक लोन अपने लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। तो हमारा कुछ नहीं, एक और रूल मिला, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्या मिला, क्रेडिट साइड। तो असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो बढ़ते हमने अब तक जितने रूल हमें मिले, पर्सनल अकाउंट का क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो उसको अपोजिट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड, और उसके बाद डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर मैंने अभी जो हमने कराया, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। अगर नहीं याद रहता तो डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड, बराबर। डी फॉर डेटर डेबिट साइड, और सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। तो एक और सिंपल सा याद रख लो, डी फॉर ड्रॉइंग डेबिट साइड, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट साइड, बराबर। ड्रॉइंग कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में, और कैपिटल कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। नहीं समझे तो डी फॉर, मतलब डेबिट से डी आएगा तो डी फॉर ड्रॉइंग डेबिट साइड, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट साइड, बराबर। जैसे डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया रहेगा। अगर आपको समझे तो डेफिनेटली इसका लाइक कीजिए। ये न्यू कुछ रूल है, मैंने मेरे खुद के इन्वेंट किए,